दोस्तों आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर की तरफ से आई एक नोटिफिकेशन के बारे में। तो टोटल यहां पे 71 पदों पे भर्ती होगी, सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो यहां पे नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाले हैं टेक्नीशियन, तो इसके लिए 23 पद भरे जाएंगे। सीनियर टेक्नीशियन, इसके लिए 11 पद भरे जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए 18 पद भरे जाएंगे। जूनियर इंजीनियर, इसके लिए 2 पद भरे जाएंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स, इसके लिए 2 पद यहां पे और भरे जाएंगे। एंड लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, तो इसके लिए भी 2 पद भरे जाएंगे। फार्मासिस्ट, इसके लिए 1 पद भरा जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए 7 पद भरे जाएंगे और सुपरिटेंडेंट के लिए भी 5 पद यहाँ पे भरे जाएंगे। सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को पूरी देखने के बाद अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई वहीं पर दे दिया जाएगा। पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हिमाचल प्रदेश में आने वाली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाला है सबसे पहले टेक्नीशियन, इसके लिए 23 पद भरे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, तो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 3 पद भरे जाएंगे। एक पद अनरिजर्व्ड के लिए रहेगा, एक एसटी और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए यहाँ पे 1 पद अनरिजर्व्ड से एंड एक एससी कैटेगरी से, तो टोटल यहाँ पे 2 पदों पे भर्ती होगी। एंड आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे रहने वाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए 2 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एंड 2 पद ओबीसी कैटेगरी से भरे जाएंगे। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे 1 पद अनरिजर्व्ड एंड 1 पद एससी कैटेगरी से भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इस डिपार्टमेंट में भी 1 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भरा जाएगा। फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंस, तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से 1 पद भरा जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 1 पद भरा जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1 पद भरा जाएगा। एंड आर्किटेक्चर, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 1 पद और यहाँ पे भरा जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 23 पद रहने वाले हैं। एंड क्लासिफिकेशन ग्रुप सी, तो क्लास 3 के लिए वैकेंसी रहने वाली है। एंड इसके लिए आपको सैलरी एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से पे लेवल आपका 3rd रहने वाला है। जो भी पे लेवल 3rd पे सैलरी दी जाती है वही इसमें सैलरी दी जाएगी। एंड इसके लिए आपकी एज 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात कीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग, तो इस डिपार्टमेंट में आपकी क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए, तभी आप इस डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, अगर आप एलिजिबल हैं तब आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है सीनियर टेक्नीशियन, तो इसके लिए यहाँ पे 11 पद भर जाएंगे। 7 पद अनरिजर्व कैटेगरी से, 1 पद ईडब्ल्यूएस से और 1 एससी और ओबीसी कैटेगरी से 2 पद यहाँ पे भरे जाएंगे। एंड नेम ऑफ द डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 1 पद भरा जाएगा ओबीसी कैटेगरी से। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1 पद भरा जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 1 पद भरा जाएगा। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 पद और भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में 1 पद और भरा जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 1 पद रहेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 अनरिजर्व्ड और 1 एससी के लिए पद भरा जाएगा। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटर, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 1 पद और भरा जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग में 1 पद और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भरा जाएगा। आर्किटेक्चर में 1 पद ओबीसी कैटेगरी से भरा जाएगा। टोटल यहाँ पे 11 पद भरे जाएंगे। एंड क्लास 3rd के लिए वैकेंसी रहने वाली है। एंड इसके लिए आपको सैलरी एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से पे लेवल 4 रहने वाला है। एंड इसके लिए भी आपकी एज 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात कीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसके लिए 18 पद भरे जाएंगे। 9 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, 1 पद ईडब्ल्यूएस से एंड एससी कैटेगरी से 2 पद भरे जाएंगे। एंड एसटी कैटेगरी से 1 पद और भरा जाएगा।
ओबीसी कैटेगरी से 5 पद और भरे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी डिपार्टमेंट में कितने पद रहने वाले हैं। एंड ग्रुप बी के लिए पोस्ट रहने वाली है एंड इसके लिए आपको सैलरी पे लेवल 6 रहने वाला है। इसके लिए आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई बीटेक एमसीए ये आपकी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तब आप उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है जूनियर इंजीनियर। तो इसके लिए 2 पद भरे जाएंगे, दोनों ही अनरिजर्वड कैटेगरी से रहने वाले हैं, एक सिविल डिपार्टमेंट में और एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रहने वाला है। तो ग्रुप बी के लिए पोस्ट रहने वाली है एंड इसके लिए भी पे लेवल 6 रहने वाला है। इसके लिए आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सेम वही क्वालिफिकेशन बीई बीटेक इन सिविल, या अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तब आपकी जो डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एसएएस असिस्टेंट। तो इसके लिए 2 पद भरे जाएंगे, दोनों ही अनरिजर्वड कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं एंड क्लासिफिकेशन ग्रुप बी एंड इसके लिए भी पे लेवल 6 रहने वाला है। इसके लिए भी आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में आपकी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट। तो इसके लिए भी 2 पद भरे जाएंगे, एक ओबीसी से एंड एक अनरिजर्वड कैटेगरी से। तो ग्रुप बी के लिए पोस्ट रहने वाली है एंड इसके लिए सैलरी पे लेवल 6 रहने वाला है। इसके लिए भी आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात की जाए तो फार्मासिस्ट, इसके लिए भी 1 पद भरा जाएगा अनरिजर्वड कैटेगरी से। तो ग्रुप सी के लिए पोस्ट रहने वाली है, इसके लिए पे लेवल 5 रहने वाला है। इसके लिए आपकी एज 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन प्लस 2 पास आप होने चाहिए विद साइंस स्ट्रीम से एंड साथ में 2 ईयर डिप्लोमा विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी हॉस्पिटल एंड फार्मेसी। तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्मा, अगर आपके पास ये है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट। तो इसके लिए 7 पद भरे जाएंगे, अनरिजर्वड कैटेगरी से 3 पद भरे जाएंगे एंड एससी कैटेगरी से 1 पद भरा जाएगा, एसटी कैटेगरी से 1 और पद भरा जाएगा, ओबीसी कैटेगरी से 2 पद यहाँ पे भरे जाएंगे। ग्रुप सी के लिए पोस्ट रहने वाली है, इसके लिए पे लेवल 3 रहने वाला है एंड इसके लिए आपकी एज 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात कीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो प्लस 2 पास आप होने चाहिए, साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एंड यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में तो सुपरिटेंडेंट, इसके लिए 5 पद भर जाएंगे, 4 अनरिजर्वड कैटेगरी से और 1 ओबीसी कैटेगरी से। तो ग्रुप सी के लिए पोस्ट रहने वाली है एंड इसके लिए पे लेवल 6 रहने वाला है। इसके लिए आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ में इसके लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में 50% मार्क्स भी आपके होने चाहिए और साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात की जाए जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, किस तरह से इसमें आवेदन करेंगे एंड किस तरह से इसमें सिलेक्शन होगा। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है, ये आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इन सभी वैकेंसीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, जो भी रिजर्वड कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब यहाँ पे बात कीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। इसके लिए आप 27 सितंबर के बाद आवेदन कर सकते हैं एंड इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 28 अक्टूबर एंड इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और उसके बाद उसकी हार्ड कॉपीज़ को आपको बाई पोस्ट आपको यहाँ पर एड्रेस भी दिया जाएगा। तो ये आपका एड्रेस रहने वाला है द रजिस्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, ये आपका एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। इसी एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट सभी अपनी हार्ड कॉपीज़ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं सेल्फ अटेस्ट करके आपको बाय पोस्ट इसी एड्रेस पे सबमिट करवाने होंगे। पहले आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और उसके बाद आप ये सभी हार्ड कॉपीज़ आपको बाय पोस्ट इसी एड्रेस पे सबमिट करवानी होंगी। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई वहीं पर दे दिया जाएगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।